चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी फ्रॉड से हत्याने के 45 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी अकबर हुसैन मुकदमे की पैरवी करते हुए इंतकाल कर गए और अब उनके मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अकबर हुसैन का घर 45 साल कबल जाली कागजात पर ट्रांसफर किया गया था। फ्रॉड के बाद घर खरीदने वाले गुलाम अहमद को जायज खरीदार करार नहीं दिया जा सकता। अदालत का कहना है कि घर की गैरकानूनी ट्रांसफर में CDA की मिलीभगत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घर को खरीदने वाले गुलाम अहमद की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा है कि जब किसी अमल की बुनियाद पर ही गैरकानूनी हो तो उस पर खड़ी पूरी इमारत गिर जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।